Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and happy new year to all of you. तो मैं आ गई हूँ आज 19 की मार्केट एक्सप्लोर करने. तो मैं 19C की मार्केट में खड़ी हूँ, जो मेन मार्केट है, जहाँ पे सारे शोरूम्स हमारे पीछे देख सकते हैं. सारे इसमें सारे शूज़ के शोरूम है, शूट्स, वेडिंग कलेक्शन सब कुछ मिल जाएगा. और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पालिका बाजार आता है, जहाँ पे अभी मैं आपको लेके चलूंगी. और राइट हैंड साइड में मेन रेडी मार्केट आता है 19 का, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको सदर बाजार भी बोलते हैं. तो अभी हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि नए साल में मैं सबसे पहला काम कर रही हूँ कि मार्केट एक्सप्लोर करना. और बहुत सारे शॉपिंग करने वाले हैं हम, और आपको भी लेके चलेंगे कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, क्या क्या उसका प्राइस रेंज है. यहाँ पे मैं आई हूँ पूरा बड़ा सा अपना बैग लेके, आपको चलिए लेके चलते हैं फटाफट से हम एक्सप्लोर करते हैं. अभी मैं पहले पालिका बाजार जाऊँगी, जो मेरे लेफ्ट साइड पर पड़ता है, जहाँ पे सारे आपको साड़ी, सूट, सारे ज्वेलरी, एसेसरीज सब कुछ मिल जाएगा. जो भी ग्रूम से रिलेटेड हो या ब्राइड से रिलेटेड हो, आपको हर चीज़ मिल जाएगा. फुटवेयर ब्रांडेड एक से एक बाटा का शोरूम है यहाँ पे, और जो लोकल शोरूम से सब कुछ बहुत ही अच्छा है. आपको क्रॉकरी आइटम्स जो भी आप चाहते हैं सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. यहाँ पे सब टाइप के लोगों के लिए प्रोडक्ट्स हैं, फ्रॉम हाई एंड टू बजट वाले, इवन चीप प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे. तो चलिए चलते हैं. तो पालिका बाज़ार जाने की तरफ आपको मिलेगा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स, जिसमें कैप्स, वुलन स्कार्फ्स, मोजे सब कुछ मिल जाएगा आपको. तो ये रास्ते में आपको बहुत सारे मेहंदी वाले भी मिलेंगे शोरूम के सामने बैठे हुए. ये हेयर एसेसरीज, और अभी मास्क का सीज़न है तो मास्क, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको रस्ते में. आप बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में, और बार्गेन करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और ये येलो टर्बन एक नया रेस्टोरेंट खुला था, तो मैंने इसलिए इसको कवर किया. और यहाँ पे बहुत सारे खिलौने, बहुत अच्छे अच्छे अफोर्डेबल रेंज में आपको बच्चों के खिलौने मिल जाएंगे. और इस स्टॉल में तो पर्टिकुलरली इतने सारे हेयर एसेसरीज का, ये हेयर बैंड्स ₹50 के थे, और ये क्लचेस, रबर बैंड्स भर भर के थे. और इसी से साथ लग के जो ये कैप वाला आपको स्टॉल दिख रहा है, जहाँ पे मेल, फीमेल्स, बच्चों के सब तरीके के कैप मिल रहे थे. और ये बच्चों के कैप मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही क्यूट क्यूट थे. और मैंने जीवा के लिए भी दो दो कैप यहाँ से खरीदे, तो वो एक एक कैप बच्चों के ₹100 बोल रहे थे, बड़ों के ₹150 बोल रहे थे. लेकिन आप बार्गेन करेंगे, तो मैंने दो कैप लिया था तो मुझे 180 में लगा दिया था. तो बार्गेन करना बिल्कुल मत भूलिए. फिर यहीं पे बहुत सारे मास्क का वैरायटी, हॉजरी, कॉटन, आपको बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे. और कैप्स तो मेरे को मनी नहीं भर रहा था, तो मैं फिर से कैप्स देखने लग गई थी. तो बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे विंटर्स के तो भर भर के वैरायटी मिल रहे थे, बहुत ही क्यूट क्यूट मिल रहे थे. और ये बड़ों के कैप 150-200 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 150 से मोस्टली बहुत अच्छे अच्छे कैप आपको मिल जाएंगे. और अंदर बहुत ही अच्छा वार्म स्टफ है, तो बहुत ही कोजी है, बहुत ही वार्म करेगा आप, बहुत ही वार्म है तो आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी. तो उसी साथ में आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे. और कैप के बहुत सारे वैरायटीज़ ऊपर हैंग करके रखे थे, वो बहुत ही डिफरेंट थे, इस वजह से उसका प्राइस थोड़ा महंगा था, तो 250 तक जा रहा था. और ये स्टॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका प्राइस 500 था. तो आप देख सकते हैं ह्यूज वैरायटी ऑफ शॉल्स, जो मॉम के लिए, दादी नानी के लिए आप ले सकते हैं. और यहाँ पे रग्स भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के मिल रहे थे, तो ये रग मुझे पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा लगा, जो कि कोट किया था ओनली ₹200, बहुत ही अच्छा बोहो स्टाइल का था, बहुत ही अच्छा. और इसका जो मटेरियल है बिल्कुल पुराना नहीं होगा, और बहुत ही स्ट्रांग है. इसका जो ये फेदर्स है वो निकलेगा भी नहीं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा. और यहाँ पे बहुत ही ह्यूज वैरायटी ऑफ नेल पेंट्स, रबर बैंड, ADS, स्विस ब्यूटी, इन सब ब्रांड के आपको लिपस्टिक्स और नेल पेंट्स भी मिल जाएंगे. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट इसमें टॉयज थे, तो टॉयज बच्चे हैं तो उसके लिए टॉयज भी आप बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में ले सकते हैं. तो यहाँ पे बड़े बड़े डॉल्स, पियानो सब कुछ मिल रहा था. और यहाँ पे क्रॉकरी के भी भर भर के जो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे. ये सारा का सारा मार्केट पालिका के एग्जैक्ट सामने लगेगा, तो पालिका जाने से मैं आपको पूरा ये आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे क्रॉकरी के ग्लास फेयर, जो प्लास्टिक फेयर, और ये पर्टिकुलरली यहाँ पे मुझे ये अट्रैक्ट किया कि ये लॉरियल का ये काजल सिर्फ ₹50 में वो बेच रहे थे. और यहाँ पे कुशन स्टफ्स भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे फिर रग्स वगैरह सब कुछ, कैप्स वगैरह. तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल सिमिलर टाइप के हैं, तो आप अच्छे से एक्सप्लोर करिए. ये बेरे भी ₹200 का वो कोट कर रहे थे, तो आप डिस्काउंट करिए. और यहाँ पे भर भर के स्टॉल्स, वॉर्म सूट्स सब कुछ मिल जाएगा. ग्लव्स ₹100 से स्टार्ट था. तो सिमिलर टाइप के स्टफ्स आपको हर स्टॉल में मिलेगा, तो आप एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलिए. फिर उसके बाद आ जाता है ये कोट स्टैंड, जहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे स्टफ मिल रहे थे. और गेस व्हाट, ये सब कुछ आप पे, आप कोई भी कोट खरीद सकते हैं, और जो कि प्राइस सिर्फ ₹250 में थे. और वो भैया इतने अच्छे थे कि वो खुद से मुझे शो कर रहे थे कि आपको क्या लेना है, आपको अगर रिकॉर्ड करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो ये पर्टिकुलरली मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्लैक एंड वाइट.
और इतने ज़्यादा वैरायटीज़ जिस तरीके से आपको चाहिए, इतने सारे कलर्स, इतने सारे ऑप्शंस थे, और हर कोट आपको 250 रुपीज़ का था, कोई डिफरेंस नहीं था। कोई भी कोट लीजिए 250, और अच्छे से आप चेक करके लीजिए, बहुत ही अच्छा था। उससे भैया बिल्कुल कम नहीं करते क्योंकि ये सेल लग रहा था, और इसके अलावा आपको पूरे मार्केट में इससे सस्ता नहीं मिलेगा कोट। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे कलर्स, ग्रे, ब्लू, रेड, ग्रीन, सब कलर का मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट फैशन के हैं, और यहाँ पे ये वाला कोट भी बहुत ही अच्छा था, और ये पर्टिकुलर कोट मैंने परचेज़ किया है। और आप अच्छे से इस पर सर्वे करके ही लीजिएगा। और यहाँ पे जो स्वेटर्स का स्टॉल था, उसमें कोई भी स्वेटर लीजिए 200 रुपीज़, तो आपको पार्टी वेयर एकदम कोजी कोजी घर में पहनने के लिए कोई भी स्वेटर चाहिए या बाहर पहनने के लिए, सब बहुत ही सुंदर स्टफ्स था इसका। तो अच्छे से ढूंढ के अपने पीस आप कुछ कलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा वेराइटी था इन भैया के पास पर्टिकुलरली। और इसके सामने वाले ये स्टैंड में मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे पीसेस मिले, तो यहाँ से मैंने 2 पीसेस कलेक्ट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कलर्स और कितने फजी और इतने वॉर्म स्वेटर्स हैं, जो आपको कोई भी स्टोर में 500-800 से कम में नहीं देगा। यहाँ पे सारे के सारे का एक ही प्राइस था 200 रुपीज़, कोई भी स्वेटर लीजिए 200 रुपीज़ ओनली। और ये भैया मुझे खुद ही दिखा रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। तो आप जाइए इनके पास ज़रूर खरीदिए, इतने बहुत ही क्यूट क्यूट स्वेटर्स थे ओनली 200 रुपीज़। तो ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बट लिटरली बहुत ही अच्छे थे, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आपने मॉल से ख़रीदा है। आप जाइए, ये आपको ये जैकेट आपको मॉल में 3-4 हज़ार से कम में नहीं मिलेगा, और यहाँ पर इतना अच्छा है 250 रुपीज़। फिर उसके बाद ये वॉर्म आपको पजामे मिल जाएंगे यहाँ पर। बगल वाले स्टोर में ये अंकल ये इन सबको 300 रुपीज़ में बेच रहे थे। इनका कोट का कलेक्शन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, बट हाँ अगर आपको कोई पसंद आ गया, कोई पीस अच्छा मिल गया, तो वहाँ पे 300 रुपीज़ का था, और यहाँ पे स्वेटर्स अगेन 200 रुपीज़ का था। इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटी था। तो आप देख सकते कितना ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल है इस मार्केट में। पहले ये सब स्टॉल नहीं लगते थे, लेकिन रिसेंटली आई थिंक कुछ टाइम से लग रहे हैं। मैं बहुत टाइम के बाद गई थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो ये जो पफर जैकेट है वो दे रहे थे वो 600 रुपीज़ में। फिर अगेन ये आ गया फुल वॉर्म, आपको नाइट सूट मिल जाएगा। ये एक्चुअली मेन दुकान के हैं, तो ये थोड़े महंगे और अच्छे क्वालिटी के थे, तो ये 1250 रुपये कोट करे थे, और आप डिस्काउंट करवा सकते हैं, बारगेन कर सकते हैं। और ये 250 के इनके कैप्स थे, वो भी बहुत ही क्यूट थे। फिर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको देख सकते हैं कितना ज़्यादा वैरायटी आपको अवेलेबल है, कैप्स, वार्मर्स, मफलर्स, मोजेस, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, ईयरिंग्स, पर्सेस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत ही ह्यूज यहाँ पे स्टॉल्स लगे रहते हैं, पहले इतना स्टॉल्स नहीं लगता था, अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको अवेलेबल है। हर तरीके का आपको वार्मर, पजामा, सब कुछ मिल जाएगा। और ये हेयर बैंड्स की भी बहुत वेराइटी थी, वो 50 रुपीज़ से आपका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे टॉवल्स भी 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। हर तरीके गमछा मिल जाएगा, बड़े वाले टॉवल्स मिल जाएंगे, हैंड टॉवल्स मिल जाएंगे, तो छोटे वाले टॉवल्स से 20 रुपीज़ से, और बड़े टॉवल्स आपके 100 रुपीज़ से मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे ईयरिंग्स की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, क्लचर्स एंड हेयर एसेसरीज की भी ह्यूज वैरायटी आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर शॉप्स भी हैं, एंड साथ में आपको छोटे स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, तो आप जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी ऑफ मेकअप, आपको आईलाइनर, आईलैशेस एंड लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स, लिप लाइनर्स, आई शेडो पैलेट, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में। आप जाइए, आपको जो पसंद है आप परचेज कर सकते हैं। देख सकते हैं प्राइमर, फाउंडेशन, आपको हर चीज़ मिल जाएगा, बट यहाँ पर टेस्ट करिएगा कैसा है। एंड यहाँ पर उसी के साथ एक लग के बच्चों का कपड़े का दुकान था, जो बच्चों के कपड़े का स्टॉल था, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक इन्होंने प्रिंट्स रखे हुए थे, मुझे बहुत ही पसंद आया। और मैंने इसे चेक किया, बहुत ही ज़्यादा वॉर्म था, अगर आप बच्चों को पहनाएंगे विंटर्स में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, काफ़ी वॉर्म स्टफिंग था अंदर। एंड ये पर्टिकुलरली ये मुझे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगा, यूनिक है, बहुत ही क्यूट है, इसमें ये ड्रैगन फ्रूट बना हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसी के साथ में लग के एक ये स्टॉल आ जाता है, जिसमें हैंडमेड वो पोचो बेच रही थी आंटी थी, एक आंटी का स्टोर था, बहुत ही अच्छा, 500 से स्टार्ट था, 500, 600, 800, ये 3 प्राइस का अलग अलग इन्होंने पोंचो लगा रखे थे, बिल्कुल प्योर हैंडमेड। और फिर ये अगेन उसी के बगल में ये आ गया एक और ब्लेजर का एंड आ गया, जहाँ पे कोई भी आप ब्लेजर लीजिए 500, तो यहाँ का प्राइस 500 था, और काफ़ी अच्छा स्टिचिंग था, काफ़ी अच्छा मटेरियल था, वो मैंने
मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड फिर आ जाते हैं हम पालिका बाज़ार, जो फाइनली हम पालिका बाज़ार में आ गए, इसमें आप ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर भी बहुत सारे स्टोर्स हैं एंड नीचे भी स्टोर्स हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो नीचे आप सबसे पहले देख सकते हैं इतने इयररिंग्स का बहुत सा बड़ा सा ये बोर्ड लगा रखा है, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो साथ ही लग के ये ह्यूज ह्यूज वैरायटीज ऑफ साड़ी अवेलेबल होगा, लहंगा अवेलेबल होगा एंड ये रेडीमेड ब्लाउजेज भी बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में। यहाँ से मैंने पहले भी एक ब्लाउज खरीदा जो 250 रुपीज़ में उन्होंने नॉर्मल कोट किया था एंड ये जो वर्क वाले हैं वो 1000-1200 तक चले जाते हैं। पहले ये भैया इतने वैरायटी नहीं रखते थे लेकिन अभी तो डिमांड के हिसाब से इन्होंने सारे ऑप्शन लेकर रखे हुए हैं। और यहाँ पे आपको वैरायटीज ऑफ लहंगाज भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं सारे साड़ीज एंड लहंगाज। यहाँ पे दुपट्टाज आपको वेलवेट के दुपट्टाज एंड अलग से दबका वर्क वाले दुपट्टा आपको हर चीज मिल जाएगा। विंटर्स में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, हिमाचल पहाड़ों में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको हर टाइप के मटेरियल का स्टफ मिल जाएगा जो आपको विंटर से बचा के रखेगा। और यहाँ पे बच्चों के क्लिप्स एंड बिंदीज वगैरह का भी ह्यूज वैरायटी। और ये पर्टिकुलरली शॉप मुझे इयररिंग्स के लिए बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप ब्राइट टू भी आप डेफिनेटली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे शादी का आपको A to Z आपको सब सामान मिल जाएगा, चाहे ब्राइड हो, ग्रूम हो, लड़के वाले हो, लड़की वाले, आपको हर चीज़ यहाँ मिल जाएगा। आपको ह्यूज वैरायटीज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, चूड़ास, चूड़ीज, टोकरीज, सब कुछ डेकोरेटिव आइटम्स आपको शादी से रिलेटेड मिल जाएगा। बच्चों के भी स्टोर्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही क्यूट स्टफ्स उसमें दिख रहे थे। बेलीज, शूज़, सूट, साड़ीज, क्या नहीं, आपको जो चाहिए वहाँ पे शादी से रिलेटेड तो आपको हर चीज़ यहाँ पे एक स्टॉप में मिल जाता है। और आपको टेलर भी मिल जाएंगे कि आप ऑर्डर भी करवा सकते हैं वहाँ पे। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर ये जो स्टोर था उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी आपको फुटवेयर्स मिल जाएंगे, बेलीज, स्लीपर्स, फ्लैट्स बहुत ज़्यादा, और बूट्स के भी इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी। बूट्स आपको 500 से स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे वैरायटीज़ है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ है इनके पास, लॉन्ग बूट्स, शॉर्ट बूट्स, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो बेलीज, बच्चों के इवेंट्स, शूज़, सब कुछ अच्छे थे वहाँ पे। 200 रुपीज़ के आपके बच्चों के शूज़ भी मिल जाएंगे। एंड ये जो वॉर्म वाले जो विंटर्स में आप घर में स्लीपर्स पहन सकते हैं वो 200 से स्टार्ट है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे वैरायटीज की आपको कमी नहीं है, आपको बस टाइम लेकर आना है और आपको शॉप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस वेयर के बहुत ज्यादा फुटवेयर्स है, फॉर्मल वेयर, पार्टी वेयर, कैजुअल वेयर, आपको ह्यूज वैरायटीज ऑफ शूज भी मिल जाएंगे। और साथ में आपको यहाँ पे विंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटीज, क्यूट डिज़ाइंस की आपको रज़ाई मिल जाएगी, यहाँ पे कर्टन्स मिल जाएंगे, मतलब होम डेकोर भी मिल जाएगा यहाँ पे। ये ट्रैवल के लिए बैग्स एंड जैकेट्स, मेल्स के लिए जैकेट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और फैशनेबल आपको अगर चाहिए जैकेट्स वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी मेल्स के लिए भी वैरायटीज़ की कमी नहीं है। और फिर अगेन बच्चों का ह्यूज स्टोर था ये, बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटीज था, पेपर, बिग, बारबीज, क्या नहीं, मतलब बच्चों के भी ह्यूज वैरायटी। फिर आ गई मैं, ये बेबीज़ के शूज़ का शॉप था, मतलब इसमें बहुत वैरायटीज़ के फुटवेयर्स मिल रहे थे जो वॉर्म वाले होते हैं। तो ये बेबी का ये क्यूट सा फुटवेयर था ओनली ₹100, और ये जो बड़े फुटवेयर्स है वो आता है ₹150 में। तो मैंने ये जीवा के लिए भी यहाँ से लिया था, तो काफ़ी अच्छा अंदर वॉर्म स्टफिंग था, काफ़ी क्यूट क्यूट ह्यूज वैरायटीज़ एंड कलर्स। फिर ये बंडानाज है, इसमें वॉर्म बंडानाज भी यहाँ पे मिल रहे थे, शॉल, सूट, वॉर्म सूट जो मम्मी लोग पहनते हैं वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के थे। बच्चों के भी स्टोर बहुत ज़्यादा है, बच्चों के भी बहुत ही क्यूट एंड एम्पल नंबर ऑफ वैरायटीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम आ गए हैं अब ऊपर से के भी एंड में, आप देख सकते हैं हम एंड में आ गए हैं अब पालिका बाज़ार के। आपको जो चाहिए वहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, टाइम लेकर आइए एंड बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपको शॉप करने के लिए। तो हम यहाँ पे राइट साइड से हम आए थे, अब हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मार्केट दिखता है पालिका बाजार के अंदर से। तो अब हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो फिर अगेन ये वॉर्म आपको लोअर्स मिल जाएंगे जो कि 200 रुपीज़ कोट किया था, और फुल सेट आपको 550 रुपीज़ में वो दे रहे थे। आपको टॉप और बॉटम दोनों चाहिए तो 550 रुपीज़ वो कोट कर रहे थे। तो ये शॉप्स का है, तो शॉप में मोस्टली कम बार्गेन होता है, लेकिन आप अगर जहाँ पे फिक्स प्राइस का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे आप बार्गेन नहीं कर सकते, बट जहाँ पे उन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगाया तो वहाँ पे ज़रूर आप बार्गेन कर सकते हैं। तो हम ये दूसरी साइड से अब आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक शोरूम है जहाँ पे भी सेल लगा हुआ है। तो ये 1250 मतलब 1280 रुपीज़ में ये सारे आपको वॉर्म कुर्ताज मिल जाएंगे,
और यहाँ पे अगेन ये भैया ने छोटे बच्चों के 200 रुपीज़ में लोअर लगाए थे, जो वॉर्म वाले लोअर्स हैं, इनके पास छोटे बच्चों के भी थे और बड़े लोग के भी थे। जो बड़े लोगों के लिए फुल नाइट सेट ये 400 रुपीज़ कोट कर रहे थे, तो आप बार्गेन करेंगे तो मोस्टली ये 350 तक आपको दे देंगे। फिर हम चलते हैं फिर शोरूम की तरफ, वहाँ पे भी देखते हैं कि क्या ऑफर करते हैं। तो फिर यहाँ पे भी कोट का एक स्टॉल था जहाँ पे आपको 250 रुपीज़ में कोट दे रहे थे भैया। हर टाइम पे ये शोरूम में भी काफी सारा सेल्स चलता रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो सेल के आइटम्स है वो बाहर लगा दिए रहते हैं और प्राइस लिख दिया जाता है। तो आप जो भी आपको चाहिए फुलकारी, जैसे 499 में आपको फुलकारी या शॉल मिल रहा है, वुलन स्टोल्स मिल रहा है, सेल के आइटम में मोस्टली शॉपकीपर्स बाहर लगाते थे, तो आपको इजीली वहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ पसंद है। पर शोरूम्स में से भी कुछ पसंद है सेल का तो बाहर से परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको अगर शोरूम से चाहिए तो आप अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे फुटवेयर्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे ह्यूज शोरूम्स हैं, बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं, बहुत नंबर ऑफ शोरूम्स हैं जहाँ पे आपको फुटवेयर्स, पार्टी वेयर चाहिए, आपको नॉर्मल चाहिए, आपको डेली कॉलेज के लिए चाहिए, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स हैं और बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं। यहाँ पे जैसे आपको 300 रुपीज़ में यहाँ पे फिर से सेल लग रहा है, 450 रुपीज़ में सेल लगा हुआ है, तो मतलब सेल इसके पूरे साल चलता ही रहता है, कभी ना कभी आप आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको सेल ज़रूर मिल जाएगा। तो ये शॉप शोरूम के बीच में भी ये स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे आप लोअर्स एंड फ्लावर्स, यहाँ पे फ्लावर वो पूरे साल बैठते हैं, आपको कुछ भी फ्लावर का होम डेकोर चाहिए तो यहाँ पे जरूर आके आप चेकआउट कर सकते हैं। डेस्क पे रखने के लिए खरीदा था तो बहुत अच्छे लगते हैं आपके डेस्क पे और आपके घर के शोकेस पे भी। तो यहाँ पे बाटा पे भी 70% तक ऑफ चल रहा था। फिर अगेन यहाँ पे आ गया एक और स्टोर, तो मतलब शूज के तो भरमार हैं यहाँ पे, और फिर ये होम अप्लायसेंस का भी एक बहुत बड़ा स्टोर था। फिर इस तरीके से हम इस एंड में आ गए और एंड में भी एक और शूज स्टोर, फिर एंड के शूज स्टोर के सामने ये दुकान था जहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना कैप खरीद लिया था। मतलब आप बिल्कुल ये गलती मत करिए कि फर्स्ट शॉप से आपने कुछ खरीद लिया, क्योंकि बाद में रिग्रेट हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑप्शन है बहुत सारे स्टॉल से सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स का, तो जाइए अच्छे से एक्सप्लोर करिए, फिर आपको जो बेस्ट प्राइस कोट करा था आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ये जो स्टोर का ये जो स्लीपर्स है वो 500 रुपीज़ में कोट कर रहे थे, तो थोड़ा महंगा हो जाता है स्टोर से और अगर आप स्टॉल से खरीदेंगे। तो हम शोरूम के एंड में आ चुके हैं और अब चलेंगे हम रेरी मार्केट की तरफ, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मेन सदर बाजार, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइज।